काम आपकी संस्था बखूबी निभा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं इस पर्यावरण के रास्तों पर लंबे समय से छोटे मोटे कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और इन कोशिशों में आज ये पहला ऐसा मौका है कि जिन लोगों ने सिर्फ पैसे की बात की आज उन्होंने भी पर्यावरण की बात की। जिन लोगों ने पूरी दुनिया जो बेहिसाब तरीके से जिंदगी जी रही है, जी तो नहीं पा रही है, जीने की कोशिश कर रही है, लड़खड़ाते हुए ही सही कोशिश कर रही है, और आज ये पहला अवसर ऐसा देखने को मिला जिसमें सीएल समय विषय से जुड़े हुए लोगों ने भी पर्यावरण के निमित्त अपना समय निकाला है। मैं इस बात का बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूँ कि भीड़ किसी समाज या किसी कौम का या किसी समुदाय विशेष का नेतृत्व कर पाती है ठीक से या फिर उसको आगे संचालित कर पाती है। मुझे लगता है कि भीड़ ना होकर के चाहे पांच ही लोग हों लेकिन वो लोग हों जो सुबह 7-7:30 बजे आने की ताकत रखते हों, जो अपनी नींद से समझौता कर सकते हों, जो अपनी मौज मस्ती से समझौता कर सकते हों, वो आगे जा करके कोई परिणाम देने की स्थिति में हैं। जो यहाँ पर लोग विराजमान हैं वो आज इस बात के साक्षी बनेंगे कि आने वाले ये 71 साल लग गए हमें ये समझने में कि हमें ज़िंदगी जीने के लिए दरख्त और परिंदों की बेशक बहुत आवश्यकता है, और इन 71 सालों में जो लोग इस दिशा में आज बढ़ गए हैं, जो लोग आज अपनी नींद से समझौता करके यहाँ आ गए हैं, जो आज अपने हाथों से यहाँ पेड़ लगा करके जाने वाले हैं, उस पेड़ को अपने परिवार के किसी हिस्से की तरह रोज आते जाते उठते बैठते देखने वाले हैं कि मेरा पौधा जीवित है या नहीं है, उसमें खाद बीज है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, वो सब लोग प्रकृति से अपने आप को आत्मसात करने की ओर बढ़ रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। 365 दिन में 364 दिन ही हो पाते होंगे शायद, एक दिन कोई बात अलग है, बाकी 365 दिन में 365 पेड़ मेरे हाथ से कहीं ना कहीं लग जाते हैं और देश का शायद ही कोई कोना बसता होगा। मेरी जानकारी में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि कोई सीए लोगों ने मनाया हो या किसी सीए से संबंधित कोई ऐसा इंस्टीट्यूट रहा हो, डिपार्टमेंट रहा हो, ऐसा विभाग रहा हो जिन्होंने ऐसा कोई कार्यक्रम किया हो। मेरे ख्याल से विशेषकर सोशल मीडिया के माध्यम से आज का ये कार्यक्रम जो है, एक पेड़ हाथ में लेकर के, आपने देखा होगा ना सेल्फी ऐसे उठपटांग सा मुंह बना के ले रहे हैं आजकल, तो वो जो पौधे के साथ आप सेल्फी लीजिए, आज अपने पेड़ के साथ सेल्फी लीजिए और उसको सोशल मीडिया पे वायरल कीजिए और CA4Environment #CA4Environment ये शुरू कर दीजिए। भारत के अंतिम से अंतिम कोने में इस बात का पता चलना चाहिए और अगली बार दूसरी जो सी ए इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए आपके अंग हैं, चाहे वो इंदौर में हो, चाहे बेंगलोर में हो, सब जगह, मैंने कल नेट पे थोड़ा बहुत देखा आपके बारे में, तो मुझे लगता है कि अगली बार वो लोग भी आपके साथ साथ जयपुर के इस इंस्टीट्यूट से प्रेरणा लेकर के और देश भर में ऐसा कार्यक्रम संचालित कर सके। आप सब लोगों से भाषण देने का न मन है और न भाषण देने जैसा कुछ मुझे सामने दिख रहा है, मुझे लग रहा है सब समझदार लोग हैं, सामने सिर्फ वही लोग हैं जो सिर्फ श्रोता नहीं है, अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, अपने आप में मुझे लगता है कि एक लीडरशिप क्वालिटी लेकर के बैठे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और जो 7-7:30 बजे आ जाए वो भी जयपुर जैसे महानगर में आ जाए और वो भी फिर पैसे वैसे वाले हिसाब से आ जाए, क्योंकि जो सामाजिक जीवन है वो तो आ जाते हैं बेचारे 4 बजे बुला लो, लेकिन जिनको पैसे का हिसाब रखना है, जिनको ये करना है कि कहाँ से CSR आएगी, कैसे क्या होगा, किसको कैसे पकड़ना है, किसको कहाँ क्या दिखाना है, किसका कैसे सेट करना है, तो सबसे बड़ी जो अपसेट दुनिया है उसमें सेट करने का काम अगर कोई होना चाहिए तो पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में 2-3 बातें मैं आपसे निवेदन करके और अपनी बात को विराम दूंगी। पहला निवेदन, 16 साल की एक लड़की है ग्रेटा थुनबर्ग, स्वीडन की रहने वाली है, हर दिन जाकर के कुछ महीनों तक उसने एक प्रयोग किया और एक तख्ती हाथों में लेकर के और पार्लियामेंट के बाहर चले जाती थी और क्लाइमेट चेंज पर वो एक मैसेज देने की कोशिश करती थी। उस ग्रेटा थुनबर्ग के कुछ समय के मैसेज के बाद में उसको लगा कि शहर मेरी बात सुनने लगा है, लोग मेरी बात मानने लगे हैं, तो उसने 15 मार्च को पहली अपील जारी की सोशल मीडिया पे आकर के कि मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर वो थोड़ा कल्चर दूसरा है ना, तो शुक्रवार का दिन उनके यहाँ छुट्टी रहती है, हमारे यहाँ रविवार को रहती है, उन्होंने कहा फ्राइडे इज़ गुड फ्यूचर। वो उसके नाम से कैंपेन स्टार्ट किया और उस कैंपेन को स्टार्ट करने के बाद में
दुनिया के 54 देशों के विद्यार्थियों ने स्टूडेंट स्ट्राइक के नाम से कैंपेन शुरू किया। स्कूल छोड़ छोड़ के बच्चे आ गए और एक उन्होंने सांकेतिक संवैधानिक तरीके से हर देश में अपना प्रदर्शन किया, उसमें हम भी शामिल थे भारत में। अगला उसने 24 मई को किया तो उसमें दुनिया के 130 शामिल हो गए देश, और अभी कुछ दिनों पहले उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है 16 साल की बच्ची को। भारत के हमारे टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर की टैगोर का मुकाबला करेगी वो, नोबेल प्राइज मिलने जा रहा है 16 साल की बच्ची को। पर्यावरण विषय पर कुछ करने से कुछ होता है, आप लोगों ने आज शुरुआत करी है, ये अगर आगे से आगे पहुंच गया आपका विषय, यकीन मानिए अगली बार भारत के हर कोने में जो भी जितने भी सी इंस्टीट्यूट अलग अलग नामों से काम कर रहे होंगे वो सब आपसे प्रेरणा लेकर के पेड़ लगाने का काम करेंगे। ये मुझे लगता है कि आप सब लोग राजस्थान से बाहर के भी होंगे, यहाँ तो है बाहर के, जो लोग राजस्थान से बाहर के हैं उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण संरक्षण का संदेश राजस्थान की जोधपुर की माटी से विश्व को हमने देने की कोशिश की। 363 लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा दी लेकिन पेड़ नहीं कटवाए। हर तरफ एक भाषणों का दौर चल रहा है, बातों का दौर चल रहा है, छोटी छोटी चीजों को हम बदल करके, और क्या हम ये कोशिश कर सकते हैं कि पर्यावरण कम से कम दिल का हिस्सा बन जाए, जिसको आप करीब से जानते हैं, अपना परिवार का कोई हिस्सा मानते हैं, तो उसके सुख दुख की आपको चिंता रहती है, समाज के मार्केट के आदमी की, बाहर के आदमी की नहीं रहती है। तो पर्यावरण को अपना हिस्सा मान करके उसकी चिंता करने का काम, अपने दैनिक दिनचर्या में छोटी छोटी चीजों में बदलाव करने का काम करके हम इसको बचाने की कोशिश कर सकते हैं। अभी मुझे बुके दिया गया था स्वागत के लिए, उसके लिए आप सबका धन्यवाद, बागवान एक छोटा सा बागवान हूँ और आपने मुझे इतनी तवज्जो दी। वो प्लास्टिक में पैक था, प्लास्टिक आज सबसे बड़ा खतरा है दुनिया के लिए, कोशिश कीजिए कि वो कैसे रिसाइकिल करने वाली चीज़ों में शामिल हो सकता है, कोशिश कीजिए कि अपने हाथों बनाई हुई कोई चीज़ से किसी का हम सम्मान कर सकते हैं, कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक का जो गिलास है उसकी जगह मिट्टी का सकोरा यूज करें, कोशिश कीजिए कि डिस्पोजल प्लेट की जगह पेड़ के बने पत्तों की उपयोग करें, सुबह ब्रश की जगह हम लोग कुछ बैम्बू ले सकते हैं, नीम ले सकते हैं, बबूल ले सकते हैं, कुछ वहाँ से लेकर के रात को सोने तक की जितनी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ प्लास्टिक है उसको अवॉइड कर सकते हैं। पिछली बार यूनाइटेड नेशंस की थीम बीट एयर पोल्यूशन थी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थी, इस बार बीट एयर पोल्यूशन है। हवा कितनी गंदी हो सकती है और जो हमारी क्वालिटी है, एयर क्वालिटी है, वो राजस्थान में थोड़ी बहुत अगर कहीं बची है तो उदयपुर में बची है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा एक संकल्प लेकर के पूरी दुनिया को संभालने का, पूरी दुनिया को परिवर्तन करने का संकल्प लेंगे तो मेरे ख्याल से काम हो नहीं पाएगा। हम लोग क्या आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संकल्प ले सकते हैं कि अपने जीवन में आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चार दिन बाद, दस दिन बाद, जीवन भर में कभी भी सही, लेकिन मैं मरने से पहले 5 पेड़ लगाकर ही मरूंगा, उससे पहले नहीं मरूंगा, ये संकल्प इस कार्यक्रम के माध्यम से लिया जा सकता है क्या, वास्तव में लिया जा सकता है क्या? वही हाथ खड़ा करना ईमानदारी से जो 5 पेड़ लगाकर ही मरेगा। और एक ऑप्शन और दे देता हूं मैं, धन्यवाद इसे कर लीजिए, आपसे एक ऑप्शन और दे देता हूं, आप में से जो भी पेड़ नहीं लगा पाए, जिसको भी लगता है मैं पेड़ नहीं लगा सकता, वो कल्पतरु संस्थान को मेल कर दे। हम एक संस्था चलाते हैं श्री कल्पतरु संस्थान, वो यही सब काम करती है, वो ईमानदारी से बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस ना करे और बेशर्म होकर के लिख दे कि मैं अपने 5 पेड़ नहीं लगा पा रहा हूँ, फला 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 फला, हम आपके 5 पेड़ लगा के आपके नाम के टैग के साथ आपको फोटो भेजेंगे कि आपके 5 पेड़ हमने लगा दिए हैं, और हर साल उसकी रिपोर्टिंग देंगे कितने पेड़ आपके कहाँ कहाँ कितने लगे हुए हैं और कितने बड़े हो गए हैं। दूसरा निवेदन, आप लोग जिस जीवन, जिस पेशे से जुड़े हैं उस पेशे में जीवन भर, अभी तो आप विद्यार्थी भी और धीरे धीरे सब सेट होने वाले हो अपने अपने, तो आपके जीवन भर में कई कंपनियां आपके संपर्क में आएगी, कई सारे लोग संपर्क में आएंगे जो आपसे CSR के चक्कर में आएंगे कि हमारा हिसाब कर दो, ये हिसाब कर दो, जितना वो बेहिसाब होगा उसका सबका हिसाब आपके पास होगा, यकीन मानिए सबका हिसाब आपके पास होगा। वो जैसे आएगा लूला लंगड़ा गूंगा बहरा, जैसा हिसाब की दृष्टि से उस सबको आप पैमाने में फिट कर दोगे, एकदम जैसे गजल का शेर हो कोई, एकदम मीटर पैमाना फिट कर दोगे आप उसका, और दिखा दोगे कि ये बिल्कुल सही किया है इसने, और नहीं किया होगा तो आप कुछ संभाल कर दोगे। सही बात है ना, ऐसा होता है ना, अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को कम से कम हर काम में आप जो करना चाहो जैसे चाहो अपनी व्यवस्था करो, लेकिन पर्यावरण के विषय पे उसको बोलो कि
कि अगर आपने पेड़ नहीं लगाए हैं तो आप वास्तव में लगा के दिखाइए, तब हम आपका सारा हिसाब किताब करेंगे। ये संभव है ना? हम प्रेरणा तो दे ही सकते हैं। 16 साल की बच्ची ग्रेटा थुनबर्ग, स्वीडन की लड़की, नोबेल प्राइज लेके जा सकती है। यहाँ 363 लोग अभी तक भी शहादत का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाए हैं। भारत महाशक्ति क्यों नहीं बन पाया है? जिस दिन बनेगा आपका भी रोल होगा उसमें, याद रखिएगा। भारत के अंतिम संतिम व्यक्ति का योगदान होगा, और अंतिम संतिम व्यक्ति के योगदान जिस दिन हो जाएगा उस दिन भारत महाशक्ति बन जाएगा, समझ लीजिएगा। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि पड़ोसी की तरफ हम देखते हैं, हम पड़ोसी का इंतजार करते हैं, हम उसका रहन सहन देखते हैं, उसका पहनावा देखते हैं, उसका खान पान देखते हैं, उसका बातचीत का व्यवहार देखते हैं, और एक क्षण में फैसला कर लेते हैं कि बहुत छोटा है व्यक्ति, एक क्षण में फैसला कर लेते हैं कि ये बिल्कुल ख़त्म है। जो लोग लड़ झगड़ करके सीएम बन गए, कई लोग कहीं क्या बन गए, क्या कोई अन्ना जी का मुकाबला कर सकता है? क्या अन्ना जी की त्याग तपस्या बलिदान की कोई कीमत दे सकता है? क्या कोई पद्मश्री उनके बराबर हो सकता है? आपका कार्य महत्वपूर्ण है, आपके विचार महत्वपूर्ण है, आपका जीवन जीने का तरीका महत्वपूर्ण नहीं है। उसका विषय को किस तरह से आप उठा सकते हैं, कैसे दुनिया के सामने ले जा सकते हैं, कैसे विश्व को यह बताने का काम किया जा सकता है कि भारतीय संस्कृति पूरी पर्यावरण पर आधारित है। हम लोगों ने पेड़ को पेड़ नहीं कहा, सिर्फ हम भारत हैं, हमने पेड़ को परमात्मा देखा पेड़ में। हमने चींटी में भी कहा कि जान होती है। जगदीश चंद्र बसु अगर प्रतिपादित नहीं करते, इस चीज को प्रमाणित नहीं करते, तो दुनिया मानने को तैयार ही नहीं थी कि पेड़ बातें भी करते हैं, महसूस भी करते हैं चीजें। हमने तो 5000 साल पहले कहा, मत्स्य पुराण पूरा डेडिकेटेड टू एनवायरमेंट ओनली। रामायण में आप जाइए, राम बन गए, राम जब बन गए तो पहले 5 पेड़ पंचवटी के बाहर लगाए उन्होंने, और ये मैसेज दिया पूरी दुनिया को कि घर बनाने से पहले पेड़ लगाइए। गिद्धराज जटायु यूं ही नहीं आए थे पंख कटवाने के लिए, गिद्धराज जटायु से हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट शुरू होता है। हमारे यहाँ पर जिस शास्त्र को उठा करके, जिस देवी देवता को उठाएंगे, तो आपको पशु पक्षी कहीं ना कहीं वाहन के रूप में, कहीं ना कहीं किसी सहयोगी के रूप में नजर आएगा। भारत को भारत बनाने का काम आप और हम सब मिलकर के कर सकते हैं। पूरे विश्व में भारत की धाक, हमारी धाक वैसी नहीं होती है कलेजे चीरने वाली, हम लोग कलेजे मिलाने वाले लोग हैं। हम लोगों ने दिल जीत करके विश्व पे राज किया है, सदियों राज किया, राज भी कर रहे हैं, और आज तो सामान्य प्रधानमंत्री जिस रूप में काम कर रहे हैं, इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक गहलोत साहब की भी यही मंशा है, जो सामान्य प्रधानमंत्री जी की मंशा है। और हम लोगों के लिए अच्छा है कि दो विचार एक साथ अलग अलग दिशाओं में काम करते हुए पर्यावरण पर एक है। वो राजस्थान को हरा भरा बनाना चाहते हैं, वो देश को हरा भरा बनाना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने का काम हम सब कर सकते हैं? कोई तन दे, कोई मन दे, कोई धन दे, कोई अपने अपने कामों से, अपने अपने कार्य व्यवहार से हम लोग देश को देश बनाने का काम कर सकते हैं। हर घर में तो मोदी झाड़ू लगाने नहीं आएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और इस उम्मीद के साथ आभार कि हम सब लोग यथावत इस व्यवहार को बनाए रखेंगे, हम आगे भी जुड़े रहेंगे। पर्यावरण संबंधी किसी भी तरह का कोई मेरे लायक सेवा हो, हम हमारी संस्था सब आपके लिए हमेशा तैयार हैं, देश के किसी भी कोने में तैयार हैं। और मैं विशेष आभार देना चाहूँगा, आज हमारे प्रधान साहब यहाँ विराजमान हैं। प्रधान साहब को मैं 15 सालों से लगभग जानता हूँ, 15-17 साल से, और पहले तो ये पूरे ही 24 घंटे की समाज सेवक थे। अब ये इस कार्य में आ गए हैं तो समय निकाल कर कभी कभी करते रहते हैं, और मैं कई कार्यक्रम एक घर लगता है जयपुर में, उसमें इनका बड़ा योगदान होता है। हमारी कई सारी संस्थाएं हैं जिनको छोटा मोटा सहयोग करवाना होता है, हम लोगों ने समय समय पर इनको पकड़ा है, और ये हमेशा थोड़ा सा पकड़ में धीरे आते हैं, लेकिन आ जाते हैं और कार्य कर देते हैं। किसी न किसी को पकड़ लाते हैं कि चलो भाई इनको 1000 पेड़ दिलाइए, इनको ये पक्षियों के लिए परिणय दिलाइए, तो इस तरह का कार्य इनका रहता है। मैं इनका आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आप सब लोगों के दर्शनों का, आप सबका आशीर्वाद देने का मौका दिया। और आदमी भाई साहब का तो विशेष आभार, जिन्होंने मुझे उस दिन कहा था कि जो आपके ऊपर जैसा चाहो वैसा आप कीजिए, और अपने ऊपर कुछ नहीं छोड़ा। आदरणीय मन संचालक जी का आभार, और नासा में भी 33% भारतीय, यहाँ भी मुझे महिलाओं की उपस्थिति 33 ही दिखाई दे रही है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब है, थोड़ी बहुत ज़्यादा ही है। तो ये एक भी इस बात की गारंटी है कि आज का कार्यक्रम सफल होने वाला है, क्योंकि जहाँ पर इनका प्रतिशत बढ़ जाता है वहाँ पर सफलता ही सफलता है, विजय निश्चित है। चरे व्यक्ति बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
आंध्रा वाले की फाड़ देते हैं तो दो महीने तक कुछ नहीं बिगड़ता, बाहर रख दो, तो इसलिए सब जगह अलग अलग है। लेकिन मैं जो बाहर रखे हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। आपको अपने एक हाथ से नीचे लगाना है पौधे, क्योंकि पौधे अभी तीन चार जगह बदलते बदलते जगह बदलते बदलते आए हैं, तो ये ना हो जाए कि आप ऐसे उठाएं और पौधा अलग हो जाए और मिट्टी अलग हो जाए। तो इसलिए पहले नीचे एक हाथ लगा लें, दूसरे हाथ से पेड़ को पकड़ लें। जब आप जहाँ जिस गड्ढे में आपको लगाना है वहाँ ले जाके प्यार से रख दीजिए, छोटा बच्चा उतारते हैं ना रोड से, वैसे आप रख दीजिए। उसके बाद उसकी थैली हटाइए, थैली हटा करके थैली को जेब में रख लीजिए, तो या कोई डस्टबिन में बाद में इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन बाद में तो बाद में होता है। कोशिश ये कीजिएगा कि अपने पॉकेट में डाल लीजिएगा, एक भी थैली हमारी बाहर ना ले जाए और कोई नेगेटिव मैसेज ना चले जाए, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के पास नहीं है। तो इसलिए एक दो निवेदन ये कि थैली साथ लेके आए अपनी। दूसरा, किसी का गड्ढा छोटा हो तो वो इंतजार कर ले, रुक जाए, अपने पास में औजार है, खुरपा वगैरह है, उससे अपन उसको ठीक करके लगा लेंगे। जिसको लगाने में दिक्कत आ रही हो उसके लिए नहीं जानकारी दे रहा हूँ, इसे आगे इसलिए बता रहा हूँ। तो पहला तो उसको थैली को जिम्मेदारी से फाड़ना, उसके बाद में जो अंदर मिट्टी का पिंड बना होता है पेड़ की जड़ों में, उसको बिना तोड़े बिना फोड़े बहुत सावधानी से गड्ढे में रखना है। रखने के बाद में थोड़ा सा खाद डालना है उसमें, बाहर खाद के गड्ढे रखे हुए हैं, मिक्सर है उसमें दबाव, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक मुट्ठी उसमें डालना है ताकि वो अच्छे से एक बार शुरुआत कर ले। मौसम बहुत बढ़िया आ रहा है और सबसे बढ़िया टाइम वृक्षारोपण का अगर कोई होना चाहिए तो वो यही है, क्योंकि अभी आप पेड़ लगाओगे दो चार दिन में बरसात शुरू होने वाली है, मानसून का समय आ गया। 25 बता रहे थे पहले, 25 मई जून बता रहे थे, अभी उन्होंने शायद 30 जून बताया है, तो कल हो गया 30 आपका। आज पेड़ लगाओ, कल बारिश आ जाएगी अगर मौसम विभाग सही है तो, नहीं है तो फिर अपने पास टैंकर तो नहीं, मौसम विभाग का क्या इंतजार करना। तो एक तो ये हो गया वृक्षारोपण का। जब आप पेड़ रख देंगे, उसमें आपने थैली फाड़ ली, पेड़ को रख दिया, गड्ढे में रख दिया, खाद डाल दिया, उसके बाद में आसपास की जो मिट्टी है जो गड्ढे से खोदी गई है वो आपको निकाल करके और उसमें डालनी है। उसको डालते वक्त आप उसमें जो कचरा है, तो कंकड़ पत्थर है, उनको थोड़ा सा अपने हाथों से ही कदम द्वारा ही कर लीजिएगा, इंतजार मत कीजिएगा किसी का, कोई आएगा नहीं, खुद ही कर लें उस काम को, और पूरा डूब कर करें, पूरा उतर के करें, तब जाके हो पाएगा, है ना। मन से लगाएं पेड़ को, उसको लगा के, और एक हम बोलते हैं एयर टाइट करना, हवा, तो उसको पैरों से पेड़ के चारों तरफ ऐसे आपको पेड़ लगाने के बाद धीरे धीरे घूमना है ताकि उसमें हवा ना चली जाए, कुछ ऐसे नमी को ना रह जाए, हल्का सा वो टाइट हो जाए। जब हो गया उसके बाद में एक दो बाल्टी पानी डाल सकते हैं आप। ये तो हो गया आपका पेड़ लगाना, कम से कम इतना दबा दें, कम से कम इतनी गहराई में रख दें कि वो पेड़ भी लगा के आप आए और गिर ना जाए, इतना काम हो गया। उसके बाद में पेड़ आप लोगों ने इतने बड़े मंगवा लिए, इतनी अच्छी क्वालिटी के मंगवा लिए, लगभग दो चार पेड़ छोटे आ गए थे वो इस तरफ लगाएंगे अपन, 6-7 फीट वाले, बाकी जो 10-12 फीट के हैं वो उधर आर पार लगा देंगे, जिसमें मेरे ख्याल से ट्रिगार्ड की जरूरत पड़ेगी नहीं, या मैंने तो आज तक कभी कोई जानवर देखा नहीं। और अगर आप भविष्य में लगाना चाहो तो वो आपके ऊपर है, आप जैसा चाहें। साल भर आपने ये पूरा जो मानसून है, बरसात का जो समय आ रहा है, इसी में अगर रह गए आपके पेड़, इसी में रह गए तो साल भर आपको जरूरत नहीं है, फिर वो साल भर के अंदर अगली बार आपको लगेगा कि कुछ हरा हरा सा दिख रहा है, आकारी प्रकार से दिख रही है, इतना काम पर्याप्त है। और पर्यावरण संबंधी कोई सवाल हो पूछ लीजिए, ठीक है, धन्यवाद। वो मजदूर से बनाने के क्या बनाएंगे, ये जीवन में दोबारा फिर आएंगे बिल्डिंग ये क्या शारीरिक रूप से कोई खुद को कमजोर मानता है क्या? थोड़ा बहुत भी आदमी इधर से मजबूत होना चाहिए, तो वैसा नहीं, आप ईमानदारी से कर सकते हैं ना, थोड़ा फावड़ा चला सकते हैं चारों तरफ उसको पानी भरने के लिए। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मजदूर लाएंगे, सारा दिन लगाएंगे, वहाँ कुछ बनवाएंगे, इससे बढ़िया एक सेकंड का काम है, फावड़ा लिया, चार फावड़े मारे चारों तरफ और अपना वो पानी डालने के लिए बना लिया, गोला सा फावड़ा बोलते हैं उसको, वो बना लिया आपने, इतना काम कर सकते हैं, पानी भर के आ सकते हैं। और फिर रोजाना ईमानदारी के साथ में, इस मामले में पूरी ईमानदारी, जब भी यहाँ आएंगे इसमें घुसते ही सबसे पहले करते हैं ना सरस्वती वंदना, या तो वो ये समझ लीजिए कि वो साक्षात शिव का रूप है,
उस समय का जो पोल्यूशन था वो भगवान ने जहर पीकर के विश्व को कल्याण किया, विश्व को बचाया। आज की सीव ये है, ये प्रदूषण पीकर के हम लोगों को बचा रहे हैं। भगवान समान करके आप रोजाना एक बाल्टी डालने का काम रोजाना करेंगे, मुझे लगता है हम सब लोग इस मिशन में बहुत अच्छे से कामयाब होंगे। धन्यवाद। वापस आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमको जानकारी देने के लिए कि पेड़ को किस तरह से लगाना है, उसको कैसे केयरटेक करना है। पर्यावरण बातें हम सबकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आज इतनी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्योंकि मैं मेरी बता सकता हूँ कि सीएम बनने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी इसी चीज़ की थी कि जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने के टाइम में जल्दी उठना पड़ता है। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम जयपुर ब्रांच को, यहाँ के तमाम विद्यार्थियों को जिन्होंने इतना प्यार मोहब्बत से सींचा नवाजा है, बड़ी और एहसान और शौकत से हम जैसे बागवानों को तवज्जो दी है, मैं इनकी हौसला अफजाई में बस यही कहूँगा कि खूब बढ़िया खुश रहिए। ग्लोबल वार्मिंग से लड़ना है तो जितने हो सके पेड़ लगाइए। मैं ICI जयपुर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने विष्णु लंबा जी पर बुलाया और आज उन्होंने हमारे को बहुत सारी चीज़ें बताई और ये भी बताया कि एक 16 साल की बच्ची को भी नोबल पुरस्कार मिल रहा है पर्यावरण की चक्कर। तो मैं सभी साथियों को ये कहना चाहूँगा कि पौधे तो लगाएं लेकिन उसके साथ साथ उसकी रखवाली भी करें। अगर आपको किसी का बर्थडे है तो आप केक के साथ एक पेड़ भी दीजिए। विष्णु लामा जी ने हमें बताया कि इस प्रकार चंद्र भगवान ने विष को पीकर पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की थी, उसी प्रकार आज ये वृक्ष हैं जो इन्वायरमेंट में होने वाले प्रदूषण को पीकर अपनी रक्षा करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम वृक्ष लगाकर उनको भगवान की सीखे पूजा माने। हमारे इसी इंस्टीट्यूट के लिए हरा भरा एक भविष्य देखा है और हमें गाइडेंस किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पूरे तय दिल से और अपने CA पटन की तरफ से कल्पतरु संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही विष्णु लामा जी ने एक अच्छा कदम उठाया देश को हरा भरा बनाने के लिए और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनमें अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे अच्छा लगा, मैं उनसे इंस्पायर हुआ। मेरा एक प्लान था कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ, मुझे आज कुछ मिला है, तो मैं अपने तहे दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो इनिशिएटिव लिया है पेड़ लगाने का उसको हम बहुत आगे लेके जाएंगे। मैं विष्णु लामा सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो CA इंस्टीट्यूट में आए और हमें पेड़ लगाने के प्रति प्रोत्साहन दिया। आज उनके समर्थन से हम लोगों ने काफ़ी पेड़ लगाए। हम लोगों ने जाना है कि इस दुनिया में कितने पेड़ की आवश्यकता है और कितना पॉल्यूशन। CA पखवाड़ा बना रहे हैं अभी और CA पखवाड़े के निमित्त हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए, उनमें एक पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम भी हमने किया जिसमें हमने कल्पतरु संस्थान को जोड़ा अपने साथ। और कल्पतरु संस्थान की बदौलत आज हम ये कि हम लोग बहुत जल्दी और बहुत कम समय में बहुत सारे पौधे लगा पाए। पौधा कैसे लगना चाहिए हमें नहीं पता था, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं पता थी। और खाद कितनी मात्रा में डालना चाहिए, पौधे कैसे लेके जाना है, कैसे उसको रखना है, कैसे उसको लगाना है और ये सब चीज़ें हमें उनसे पता लगी और उन्होंने पूरा सहयोग किया पौधे दिलाने में। किसी मिट्टी के हिसाब से कैसे पौधे आने चाहिए, कैसे पौधे रखने चाहिए, उन्होंने पूरा पूरा सहयोग किया। तो कल के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ इस ग्रुप की तरफ से और मैं चाहता हूँ कि हर बार जब भी हम कार्यक्रम करेंगे इस तरह से वो हमें हमारा सहयोग करें।
काम में जितनी खुशी मिलती है, मुझे लगता है कि मैं अपने प्रोफेशन ज़्यादा टाइम सिटी के काम में ज़्यादा खुश करता हूँ।